भारत कश्मीर के हालात खराब कर रहा है, जहां उसने तमाम हिंदुओं को कश्मीर छोड़ जाने को कहा है ताकि वो मुसलमानों का कत्ले आम कर सकें। वहीं आज मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत भी ख़त्म कर दी गई है। भारत ने मकबूजा वादी में मजीद फौजी तैनात कर दिए हैं और इनमें एक फौजी भारतीय टीम के साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी हैं। वाजह है धोनी को हुकूमत ने दौरा वेस्टइंडीज छुड़वाकर मकबूजा वादी में तैनात कर रखा है, जिस वादी के हालात बहुत ख़राब हैं। इतने ख़राब हालात में वहाँ एक नॉन प्रोफेशनल आदमी या यूं कह लें कि खिलाड़ी को फौजी वर्दी पहनाकर तैनात कर दिया गया है। देखने में ये तो एक मजाक सी बात लगती है, लेकिन इस मजाक के पीछे मोदी सरकार का घनौना चेहरा छुपा है। जी हाँ, कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि वादी में कोई जाली हमला करवाया जाएगा जिसमें धोनी को भी नुकसान पहुँचने का ख़तरा है, और यहाँ तक बातें फैल गई हैं कि धोनी को कुछ हो भी सकता है, जिसका इल्ज़ाम भारत सीधा सीधा पाकिस्तान पर लगाएगा। क्योंकि भारतीय रिपोर्ट के मुताबिक धोनी को ऐसी पोस्ट पर रखा गया है जहाँ दहशतगर्दी का ख़तरा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि मोदी हुकूमत के इरादे अच्छे नहीं। वरना कौन अपने खिलाड़ी को, जिसको आर्मी की ट्रेनिंग भी हासिल नहीं, ऐसी जगह हाथ में बंदूक पकड़ा कर खड़ा कर दे। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होने वाला है, लेकिन जो हालात बता रहे हैं यही है कि कश्मीर की सूरत हाल बदल रही है। जबकि पाकिस्तान ने अपनी तीनों मसला अफवाज को रेड अलर्ट कर दिया है और कहा है कि भारत के किसी भी एडवेंचर का सख्त से सख्त जवाब दिया जाए।